हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आज ना जो बजट में अभी चेंजेस आए हैं, जो रेलेवेंट चेंजेस हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आराम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। आपके लिए ना बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्या कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है इस बार। मतलब ना तो कोई स्लैब रेट में कोई चेंज आया, ना कोई ऐसा एग्जम्पशन वगैरह में कुछ चेंज आया। सब चीज़ें एज इट इज़ है, तो जैसा पहले चला आ रहा था वैसे ही इस साल में है। तो मतलब जो आप पढ़ रहे थे ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला इस साल, मतलब इस साल में, मतलब नेक्स्ट। उसमें एक चीज जो मैं बता दूं कि जो बजट हमारा रहेगा ना, बजट इनकम टैक्स में जो अभी आया है, ये एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा। सो जो इससे पहले साल में सब चल रहा था, वही सब आगे कंटिन्यू होगा। जो टैक्स स्लैब मैंने आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज के अंदर बताए हैं, वही टैक्स स्लैब आगे भी कंटिन्यू होने हैं। उसमें किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। अब इसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आई है, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। मतलब जो 44AB के अंदर CA के थ्रू ऑडिट कराना था, वहां पे लिमिट 5 CR से बढ़ाकर, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया। मतलब 5 करोड़ का ऑडिट नहीं, अब 10 करोड़ तक भी कोई ऑडिट नहीं कराना है। अब आपके माइंड में ये सुनते ही ना कहीं डाउट आ गया, सर ये 5 करोड़ कब हुआ था? हमने तो 1 करोड़ और 2 करोड़ वाला कंसेप्ट समझा था, 1 CR और 2 CR वाला, तो ये कब हुआ? हाँ, लिमिट आज भी 1 CR की ही है, ठीक है, 44AB की। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले क्या किया था कि इसकी लिमिट 5 CR कर दी थी। अगर आपकी 95% पेमेंट डिजिटलाइज्ड है, ऑनलाइन पेमेंट्स है आपकी, ठीक है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन्स आपकी 5% से कम है ना, तो आपको 5 करोड़ रुपए तक का कोई ऑडिट नहीं कराना था, जिसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के और अब 10% का कर दिया। यानी कि फिर से GST की तरह ही यहाँ पे भी आपके फायदा ही फायदा हो गया। मींस जो CA प्रोफेशन में, उनके लिए तो ओके है, कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा। मतलब थोड़ा सा ऑडिट का वर्क कम हुआ है इस तरीके का जो ऑनलाइन बिजनेसेस है, बट ठीक है, फिर भी कोई ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं। बट अगर जो CA स्टूडेंट्स नहीं है, जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब आपके पास अगर क्लाइंट्स हैं ना, तो अभी आप उनका वर्क आप कर सकते हो 10 CR तक, अगर उनकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है 95% से ज्यादा, तो वहां पे आपके पास, आपको CA के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अभी ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट वहां पे है ही नहीं। तो GST का भी ऑडिट खत्म हो गया यहाँ पे इस केस में भी। बट ध्यान रखना, अगर 95% से कम ट्रांजेक्शन आपके डिजिटल फॉर्म में है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कैश ट्रांजेक्शन काफी होती है ना, तो फिर आपके पास जो लिमिट है वो 1 CR वाली ही अप्लाई होती है। 1 करोड़ से ऊपर आपको ऑडिट कराना होता है, या फिर 2 CR के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द आप प्रेजेंटिव इनकम का कैसे बेनिफिट ले रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, IT रिलैक्सेशन फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ 75 इयर्स एज एंड अबव। जो सीनियर सिटीजन 75 एज से ऊपर के, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एज 75 इयर्स लिखी है, ना तो 60 इयर्स है ना 80 इयर्स है। जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन होती है वो हमारी डिफरेंट होती है। यहाँ पे 75 इयर्स का है, तो इसको अलग ध्यान रखना कि 75 इयर्स उनको ITR भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब नहीं है? अगर उनकी इनकम सिर्फ पेंशन प्लस इंटरेस्ट से है, अगर उनकी किसी तरीके की कोई और इनकम नहीं है, जो अर्न कर रहे हैं वो सिर्फ पेंशन से और इंटरेस्ट से कर रहे हैं, तो उनको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, टैक्स की अभी इसमें ना थोड़ी सी क्लैरिटी आनी पेंडिंग है। मतलब आपके ऊपर क्या होगा कि जो अगर टैक्सेबल लाइबिलिटी पे आप आ रहे हो, आपका टैक्स बनता है, तो फिर आपको रिटर्न डेफिनेटली फाइल करके टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी कोई इनकम है फिर तो फाइल करना है। और देखो नॉर्मली जो 75 एज में आ गया है ना पर्सन, तो अभी क्या है कि बहुत बड़े एज के हो गए, तो उनको कहा है कि कहाँ आप टैक्स की टेंशन में पड़ोगे कि इधर उधर जाओगे, धक्के खाओगे, परेशान होगे, तो आप रिलैक्स करो। लेकिन रियलिटी बताऊँ तो जो फाइल करवाते ना रिटर्न, वो तब भी फाइल कराएंगे, क्योंकि अब इतने सालों से करा रहे हैं तो उनको पता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। एक और बात, जो आप ITR जब फाइल करते हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर में भी काफी डेटा उसमें ऑटो पॉपुलेट होके आने लगा है। मतलब गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है, डेटा जो है ना उसमें आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटो कैलकुलेट होके आ जाता है। और इससे कुछ फायदे कुछ नुकसान है। एज अ जब हम एडवाइजर बात कर रहे होते हैं, तो हमारा काम कम हो जाता है। क्यों? अभी वो डेटा पहले से प्रीफिल्ड है, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप चेक कर लेते हैं, ओके फटाफट नेक्स्ट करो फाइल कर दी, तो हमें वो डेटा फीड करने का काम हमारा कम हो गया। बट यहाँ पे ना जो क्लाइंट ऐसे थे जो मैनुअल थोड़ा इसमें चोरी करने की, टैक्स चोरी करने की कोशिश करते थे, उनके ऊपर अब थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी।
ऐसा नहीं है उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर पाएंगे, बट उसको डिपार्टमेंट के पास एकदम उनके नॉलेज में चला जाएगा कि हाँ भाई हमारे हिसाब से तो लाइक 5 लाख की यहाँ पे इनकम आ रही थी, इन्होंने इसको 3 लाख का करा, तो 2 लाख का कम क्यों करी अपनी इनकम। तो इस तरीके का फिर वो उस चीज़ पर आपसे पूछ सकते हैं। जैसे सैलरी का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर आने लगा है, टैक्स पेमेंट जो आपने टैक्स करी है, टीडीएस का डेटा अपने आप आ जाता है, अभी कैपिटल गेन का भी आपका इसमें बहुत सारी चीजों का डेटा अपने आप से आने लगेगा, डिविडेंड इनकम जो भी है ये भी आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर उसमें प्रीफिल्ड आने लगेगी। तो इसका मतलब वहां पे चुराने का, टैक्स चुराने का या गायब करने का आइटम का चांसेस कम हो जाएंगे। डिस अलाउंस ऑफ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन में ना यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, अगर एम्प्लॉय ने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉय, पीएफ का बेनिफिट आपने डिडक्शन में ले लिया, ठीक है, जो क्लाइंट है उसने क्या करा है डिडक्शन ले ली पीएफ की, लेकिन एम्प्लॉय ने, कंपनी ने अभी तक उसका टैक्स जमा नहीं करा था, वो पीएफ जमा नहीं करा, तो यहाँ पे फिर उसका वो डिसअलाउ हो जाएगा डिडक्शन, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सीरियस इश्यू भी है, बट फिर भी इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय नॉर्मली सबमिट कर ही देते हैं पीएफ। सेक्शन 80EEA डिडक्शन एक्सटेंड, ये रेयर केसेस में होता है, बट अगर आपको पता हो तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, तो उसको एक्सटेंड कर दिया उन्होंने 2022 तक, तो पहले इसका वो 2021 मार्च तक का था, एक साल और बढ़ा दिया। तो अगर किसी ने उसके अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर में हाउस लिया होगा तो उनको डिडक्शन उसमें मिल जाएगी। बस यही मेरे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इसी के साथ ना जो इनकम टैक्स में अपडेट्स आए हैं जो हमारे से रेलेवेंट है, वो चेंजेस यहाँ पे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का कोर्स कर रहे हैं या इनकम टैक्स का प्रैक्टिशनर का कोर्स कर रहे हैं, सो उनको तो ये सारे अपडेट्स, ये आगे भी जो अपडेट्स आते रहेंगे आपके कोर्स फीस में आपको मिलते रहेंगे, और मतलब आपको मैं गाइड करते रहता हूँ कैसे अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करना है, कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। और अपॉर्चुनिटी बढ़ी है कि सीए के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी आपकी कम हुआ है, जीएसटी में तो बहुत ज़्यादा और यहाँ पे भी काफी कम हुई है, तो मतलब आपके पास कंट्रोल काफी ज्यादा आता है। अभी क्लाइंट आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके बहुत सारा काम करा सकते हैं, तो उनको भी कई जगह लगेगा कि ठीक है सीए के पास जाके क्या फायदा, यहाँ से मैं आपसे भी करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं तो सीए हूँ, मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, तो ठीक है आप सेलिब्रेट करो ना, आपके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, करेक्ट है। चलिए, बाय बाय।